दमोदिया थाना अंतर्गत बांसा तारखेड़ा में ट्रिपल मर्डर कांड सामने आया था। गोली चली थी, तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। विश्वकर्मा परिवार के सदस्य थे। आज 13वीं का दिन था, लेकिन परिवार के मन में कहीं ना कहीं मलाल है, रोष है। लगातार प्रशासन के द्वारा उन्हें कई तरह के आश्वासन दिए गए थे। जब चकाजाम हुआ था तब बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन वादा नहीं निभाया गया। ना तो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, न ही इस मामले में अब तक आरोपी गिरफ्तार हो पाए हैं। तीन जो आरोपी हैं, नामी आरोपी हैं, वह अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। परिवार के सदस्य कहते हैं कि अधिकारी आए थे, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। वह यह भी आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है। कुछ पुलिस के अधिकारी मिले हुए हैं, कुछ पत्रकार भी मिले हुए हैं, ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया। हालांकि किसी का नाम तो उनके द्वारा नहीं लिया गया, लेकिन उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। अब तक तो कछु नहीं हुआ है। चाहत है कि सूरी खा के लाने फांसी दियो, और कलेक्टर बोल रहे थे कि घर आर गिरुआ है, अब तक कछु नहीं हुआ है। जो सब कह रही पुलिस भी कह रही सब कछु, कुछ नहीं हो रहा हुआ है। आपने चकाजाम किया था दमो कलेक्टर से? हाँ, तो कलेक्टर ने बोला था कि इन लोग के घर गिरवाएंगे और इन लोग को सजा दिलवाएंगे, फांसी का भी बोला था कि फांसी दिलवाएंगे, अब तो कछु नहीं कर रहा है। अभी सब मिली भगत है जी, और तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे। पैसा खाओ खोरी ज्यादा चल रही है, जहाँ देखो होता ही खाओ खोरी हो रही है। इन्हो पैसा दे दस, उन्हों खरीद लाओ, इन्हों खरीद लाओ, ऐसे सुरेखा नहीं पकड़ रहा हो। और जितने भी फिर रहे बेबी घूम रहे खुले आम यहाँ। अब ये साइड तो नहीं दिखे यार, काहे की ये साइड पुलिस घूम रही है ज्यादा, सर खड़ी साइड घूम रहा है सजल मगर। ये इतना बड़ा कांड यहाँ पर हुआ था, उसके बाद क्या अभी तक साथ है? अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई ज्यादा कार्रवाई हुई नहीं। जिसने घटना की थी अभी सिर्फ केवल वो ही अकेले पकड़े गए, और जो मेन घटना कार्यकर्ता है वो अभी भी फरार है। अब वो कहाँ पर है ये अभी किसी को मालूम नहीं। पुलिस भी न्यूज पे चला रही है, इनाम भी घोषित कर दिया, पर इनाम के साथ ना उनकी फोटो घोषित कर रही है, सामने ला रही है कि ये हत्याकांड करवाने वाले हैं, तो पुलिस उनको भी सामने नहीं ला रही है। और कुछ अधिकारी अभी भी ऐसे हैं जो उन लोग को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पुलिस अधिकारी भी ऐसे हैं जो उनको पहले से सूचना यहाँ थाने से उनको डायरेक्ट वहां दे देते हैं। तो इस कारण और मामला अभी ज्यादा कुछ बढ़ नहीं पा रहा है। मैं ये चाहता हूँ इनको न्याय मिले और सच्चाई की जीत हो। क्योंकि वो ड्राइवर उन्हीं का था ना, वो पूरा कार्यकर्ता उसी का है, बल्कि इन लोग का तो कुछ ऐसा हाथ ही नहीं था। इन लोग उस पोजीशन पे ही नहीं थे कि हथियार ले सके, बुलेट गाड़ी से यहाँ आ सके और ये घटना कर सके। पूरा हाथ तो उसी का है, बंदूक है, लाइसेंस विदेशी सब उसी का मंगवा है। 1.5-2.5 लाख की पिस्तलें हैं, पूरे उसी पे आ रही। वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, क्या प्रशासन की गलती है? अभी सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी ये अभी भी हमारे घर में ये बुलेट के वो मिल रहे हैं कैप, ये देखो विदेशी हैं, अभी भी मिलते जा रहा है। पुलिस को तो जो मिले वो मिले, और ये अभी हम लोग को यहाँ साफ सफाई कर दे समय डाले मिले। परिवार के लोगों को ऐसी आशंका है कि उनकी भी हत्या की जा सकती है, क्योंकि हत्यारे फरार चल रहे हैं, किसी भी बड़ी घटना को जी। अभी तक तो कोई न्याय नहीं हुआ है, और आगे सोच रहे हैं कि सच्चाई की जीत हो, इस कारण पुलिस अपना कर्तव्य से कार्य करें। कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो उनकी सपोर्ट में चल रहे हैं, बाकी तो सही है, और कुछ पुलिस वाले जो उनकी सपोर्ट में चल रहे हैं उनको ये करना चाहिए कि अपनी सत्यता का आभास करें और अपने सही मार्ग पे चलें, सच्चाई की जीत करवाएं। ठीक है, अगर जो राखी सुरेखा के संबंध में कछु पत्रकार भी है जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, और उनके लाने अगला टारगेट बता रहे हैं, भगा रहे या कछु भी है, अभी हम 3-4 लोग बचे हैं, हमारों का भी टारगेट है, आगे हमारों को भी खतरा है। प्रशासन इतनी ढील दी है बहुत ज्यादा, मंत्री कैबिनेट मंत्री तक उनकी पहचान है, पैसों वाला है, हम लोग तो गरीब हैं, क्या कर सकते हैं।
अगर शासन अपनी कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोगों की तो आवाज दब जाएगी। कोई मुद्दा नहीं है जो ऐसा कि हम लोग आगे उछाल सके। हमारे भाई तो भी चले गए, आगे हमारों की हिफाजत तो हो, कम से कम ऐसा कार्य करे शासन प्रशासन कि हमारों की सेफ्टी हो और मध्य प्रदेश की बदनामी तो ना हो। कम से कम मध्य प्रदेश में जो हो रहा है इसकी रिपोर्ट सीएम तक जाना चाहिए, सीएम को एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई के लिए निर्देश करना चाहिए। इसी तरह के कार्य होते रहे तो क्या होगा। यूपी साइड देखें, योगीनाथ के एरिया में तुरंत इनकाउंटर होता है। इनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा, तीन तीन मर्डर एक साथ किए हैं ना इनमें। अभी तो बुलडोजर भी नहीं चला घरों पे, कार्रवाई होना जरूरी है। इस घटनाक्रम में काफी खास बात यह है कि कॉलोनाइजर के पास सभी लोग मिलने जाते थे, चाहे पुलिस हो या फिर कुछ खास लोग, तमाम लोग मिलने गए हैं। बताया जाता है कि डीबीआर में काफी कुछ खास है जिसका खुलासा पुलिस के द्वारा भी नहीं किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस के द्वारा जो डीबीआर खगाली गई उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम सुराग भी मिले हैं। ये किन लोगों की मिली भगत थी, उन पर भी मामला दर्ज किया जा सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। वहीं मुख्य आरोपी रॉकी सुरे का अब तक नहीं पकड़ा गया। 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। देखने लायक होगा मुख्य आरोपी तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है, क्योंकि लगातार षड्यंत्र का जो आरोप है वो रॉकी सुरेखा के ऊपर लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई की बात तो कह रही थी लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। घर की सुरक्षा में जरूर पुलिसकर्मी तैनात हैं। एक होमगार्ड के सैनिक की हत्या हुई, उसके परिवार के 2 सदस्यों की हत्या हुई और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं।